शिवपुरी जिला प्रशासन की भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रशासन की टीम करेरा के टीला रोड पहुंची, जहां वर्षों पुराने मकानों को जमींदोज किया गया। पूरे मध्य प्रदेश में अतिक्रमण हटाने की मुहिम जोर तोर से चल रही है। इसका असर अब मध्य प्रदेश के शिवपुरी में देखा जा रहा है। शुक्रवार को शिवपुरी के करेरा की टीला रोड पर वर्षों पुराने मकान, जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए थे, उन मकानों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन द्वारा चलाई गई इस मुहिम के मौके पर करेरा SDM और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। ये शासकीय जमीन थी, शासकीय जमीन का अतिक्रमण किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय में रेट लगाई गई थी द्वारा, उसमें एक आदेश पारित हुआ है। उस आदेश के पालन में पुनः नोटिस जारी किए गए थे लोगों को, नहीं हटाया गया तो बेदखली का आदेश पारित किया गया, जुर्माना किया गया, उसके तहत हटाने कार्रवाई की। सर, जो जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता का नाम भी शामिल है, तो कहीं BJP की आरोप लग रहे हैं कि BJP द्वारा इसको निकलवाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को भी टारगेट करके कार्रवाई नहीं की जा रही है। शासकीय भूमि का अतिक्रमण था, माननीय उच्च न्यायालय में एक आदेश लगी हुई थी, उसमें आदेश पारित किए गए। उस आदेश के तहत जब अतिक्रमण नहीं हट पाया तो कंटेम्प्ट लगाया गया था हम लोगों के खिलाफ है। जब माननीय नेता महोदय के खिलाफ कंटेम्प्ट लगा हुआ था, उस कंटेम्प्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। किसी को भी टारगेट नहीं किया जा रहा। कितने लोग हैं इसमें? कितने लोगों पर कार्रवाई की गई सर? अभी जो कामजू में था वो 5 लोगों का खिलाफ अतिक्रमण कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उनके बंटवारे हो चुके हैं कि ऐसे 8 लोग हो जाते हैं अभी यहाँ पर, इनका कार्रवाई की जा रही है। इसमें किसी ने जो है हाईकोर्ट में अगर पिटीशन लगाया था, क्या किया था? हाँ, हाईकोर्ट का मामला चल रहा है, लगाई गई उसके तहत। ठीक है सर, शिवपुरी से कपिल मिश्रा की रिपोर्ट।